फरवरी माह में जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में लश्कर के आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान 9 गोलियां लगने के बावजूद लश्कर के कमांडर को ढेर करने वाले कोटा के सपूत चेतन 1 दिसंबर को कोटा पहुंचेंगे। घायल चेतन चीता का दिल्ली के एम्स अस्पताल में इलाज चल रहा था, अब वह सही हो गए हैं तो दुआओं से नवाजने वाले कोटा शहर के लोगों और परिजनों से मिलने वह कोटा पहुँच रहे हैं। कमांडर चेतन चीता के चाचा कुंदन चीता ने बताया कि 1 दिसंबर को चेतन चीता प्लेन के जरिए दिल्ली से पहले जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, उसके बाद वह सीधे जयपुर से कोटा हवाई अड्डे पहुंचेंगे, जहां उनका शहर के लोग, परिजन और रिश्तेदार जोरदार स्वागत करेंगे। हम आपको बता दें कि सीआरपीएफ के जाबाज कमांडेंट चेतन चीता ने 9 गोलियों से शरीर छलने होने के बावजूद आतंकियों से लोहा लिया और लश्कर के कमांडर को मार गिराया था, जिसके बाद से ही उनका इलाज दिल्ली के एम्स अस्पताल में चल रहा था। कोटा सहित देश भर में चेतन चीता के लिए दुआओं के हाथ उठे थे, अब वह सकुशल होकर अपने शहर कोटा आ रहे हैं। चेतन से मेरी बात हुई है, चेतन 1 तारीख को दिल्ली से उड़ेगा, उसके बाद जयपुर उतावा वो कोटा में हवाई अड्डे पर उतरेगा। चेतन ने बताया कि कोटा वासियों का प्रेम मुझे कोटा की धरती पर खींच कर ला रहा है। वो पूरे देश ने मेरे लिए जो दुआ करी, खास तौर से कोटा की धरती के लोगों ने जो मेरे दुआ करी, उसके लिए मैं कोटा की जनता का आभार प्रकट करने के लिए मेरी मातृभूमि पर आ रहा हूँ।